मुफ्ती सलमान अजहरी को जमानत मिलने के बावजूद रिहाई नहीं मिली है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। अब पासा के तहत उन पर कार्रवाई करते हुए अहमदाबाद सेंट्रल जेल से वडोदरा जेल भेज दिया गया है। मुफ्ती सलमान अजहरी को मोडासा कोर्ट से कल जमानत मिली थी। शर्त लगाई गई कि पासपोर्ट जमा करवाना होगा। इस पर एमआईएम लीडर वारिस पठान ने मीडिया से बात करते हुए तफसीली जानकारी दी है। तीन केस थे गुजरात में, तीनों केस में उनको जमानत हो गई। आज उनको मोडासा की कोर्ट ने भी जमानत दे दिया। साबरमती जेल में थे, मगर अभी कुछ देर पहले ही मेरी, हमारे वहाँ जो लॉयर्स है, हमारी एमआईएम की पूरी जो टीम है, उनसे बात हुई। सलमान अजहरी साहब के भाई से भी मेरी बात हुई वहाँ पर, तो उन्होंने बताया कि वारिस भाई इनको बेल तो हो गई, मगर वहाँ से फिर कलेक्टर का एक ऑर्डर आया है जिसमें उनको गुजरात प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट, पासा एक्ट के तहत पे उनको डिटेंशन का ऑर्डर दिया है। अब उनको शायद साबरमती जेल से बड़ौदा लेके जाया जाएगा, ऐसी मुझे जानकारी वहाँ से मिली है। तो हमारी टीम वहाँ पर है, लॉयर्स भी है, अब देखते हैं क्या होता है। जो भी कानूनी प्रतिक्रिया होगी वो करेंगे, और इंशाल्लाह हमको यकीन है कि वो जल्द से जल्द रिहा हो जाएंगे। उनके भाई साहब ने भी कहा है कि आप तमाम लोगों से दुआओं की गुजारिश है।